नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करूं यूरोपियन कंट्रीज की तो आपके दिमाग में हमेशा हाईली डेवलप्ड डेमोक्रेटिक कंट्रीज आएंगी। और ये चीज सच भी है क्योंकि आज के दिन यूरोप की ज्यादातर कंट्रीज डेवलपमेंट और डेमोक्रेसी के मामले में टॉप पर ही रैंक करती हैं अगर आप बाकी दुनिया से कंपेयर करोगे तो। लेकिन आप में से शायद कम ही लोग जानते होंगे दोस्तों कि आज के दिन भी यूरोप में एक ऐसी कंट्री बची है जो डेमोक्रेसी नहीं है बल्कि डिक्टेटरशिप है, जहां आज के दिन भी एक डिक्टेटर का राज है। इसे अक्सर यूरोप का आखिरी डिक्टेटर कहकर पुकारा जाता है, यूरोप का लास्ट डिक्टेटर। पिछले कुछ हफ्तों में इस देश से कुछ बड़ी दिलचस्प खबरें आई हैं जिनके बारे में मैं आपको आज के इस वीडियो में बताना चाहूंगा, क्योंकि खबर यह है दोस्तों कि यहां पर देश की जनता जाग चुकी है। जल्द ही देखकर ऐसा लग रहा है कि इस डिक्टेटर का भी टाइम अप होने वाला है। यूरोप की आखिरी डिक्टेटरशिप में उम्मीद जाग रही है कि अब ये डेमोक्रेसी की राह पर चलने वाली है। आइए पूरी कहानी जानते हैं क्या है। जिस देश की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, इस देश का नाम है बेलारूस। ये ईस्टर्न यूरोप में एक कंट्री है जो यूक्रेन और रशिया के बीच में है। इस देश को आजादी मिली थी सोवियत यूनियन से 1991 में, और 1994 में, जिस साल में मेरा जन्म हुआ, इस देश ने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया जो डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक इस देश को घोषित करता है और कई सारे फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम्स ग्रांट करता है, और बिल्कुल इंडिया की ही तरह सेपरेशन करता है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में। तो 1994 के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये देश एक डेमोक्रेटिक लिबरल कंट्री है बाकी देशों की तरह। 1994 में ही फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होती हैं इस देश में बाकी हर डेमोक्रेटिक कंट्री की तरह, और अलेक्जेंडर लुकाशेंको नाम के एक पॉलिटिशियन इलेक्ट किए जाते हैं इस देश के प्रेसिडेंट। अब गौर से देखिए इस चेहरे को, अलेक्जेंडर लुकाशेंको, क्योंकि इस बेलारूस की पूरी इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में ये इकलौते प्रेसिडेंट हैं। इसके बाद कोई प्रेसिडेंट नहीं इलेक्ट किया गया, ना इनसे पहले कोई प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया, क्योंकि आज के दिन भी यही इंसान इस देश के डिक्टेटर है। आप पूछोगे यहां पर कैसे बने डिक्टेटर? दो साल बाद ही दोस्तों, नवंबर 1996 में इन्होंने एक रेफरेंडम कंडक्ट कराया जिसे फ्रॉड रेफरेंडम माना जाता है। इन्होंने एक्चुअली में जनता से नहीं पूछा, उसके जरिए इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स पास किए, यानी कॉन्स्टिट्यूशन की अदला बदली करी और रूल्स ऐसे बदल दिए कि प्रेसिडेंट के पास कहीं ज्यादा पावर आ गई। जो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन थी उससे पावर घटा दी गई, वो प्रेसिडेंट के नीचे आ गए, और पार्लियामेंट से भी ज्यादा पावर दे दी प्रेसिडेंट को। यानी कोई लेजिस्लेटिव लॉ पास करना था, कोई बिल पास करना था, तो ये सारी पावर्स अब प्रेसिडेंट के पास आ गई। बेसिकली फ्रॉड रेफरेंडम के थ्रू अपने आप को ज्यादा पावर दे दी। इसके बाद दोस्तों जितनी भी इलेक्शंस हुई बेलारूस में, सब में किसी ना किसी तरीके का इलेक्शन फ्रॉड हुआ। बार बार ये लुकाशेंको इलेक्शन जीतते रहे, वापस पावर में आते रहे। इनफैक्ट 1994 की इलेक्शंस को इकलौती फ्री एंड फेयर इलेक्शंस माना जाता है बेलारूस। बाकी सारी इलेक्शंस में किसी ना किसी तरीके का इलेक्शन फ्रॉड हुआ। मैं शॉर्ट में बताता हूं दोस्तों इनका शासन कैसा रहा था पिछले 26 सालों में। बेलारूस एज अ कंट्री की क्या डेवलपमेंट हुई पिछले 26 सालों में। इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी पर एक बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल था इनकी सरकार का, ज्यादा ओपन अप नहीं की गई इकोनॉमी। प्राइवेट सेक्टर एक बहुत छोटा रोल प्ले करता है, सिर्फ 20-30% जीडीपी ही प्राइवेट सेक्टर का है। और इकोनॉमिकली बेलारूस बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है रशिया पर, स्ट्रॉन्ग रिलेशन है इनके रशिया के साथ, और बेलारूस की पूरी इकोनॉमी कह सकते हो रशिया के सपोर्ट पर चलती है। बेसिकली ऑलमोस्ट हर तानाशाह की तरह लुकाशेंको ने भी अपने देश को एक से बढ़कर एक इकोनॉमिक क्राइसिस में गिराया है। फॉर एग्जाम्पल 2011 में बेलारूस में इन्फ्लेशन थी 109% पर इनकी फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की वजह से। 2016 के आसपास इनका जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव में चल रहा था, और अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत भारी प्रॉब्लम है आज के दिन भी बेलारूस में। और बाकी और एस्पेक्ट से भी इस देश की बहुत बुरी हालत है। लुकाशेंको ने ऑलमोस्ट टोटल मीडिया पर कंट्रोल जमा रखा है अपना। इनफैक्ट मीमो 98 एक मीडिया मॉनिटरिंग कंपनी है, उसने बताया था कि मई और जून के महीने में इस साल इनकी जो मीडिया है उसने 97% कवरेज दी इनके प्रेसिडेंट लुकाशेंको को, और बाकी ऑपोजिशन पार्टियों के लीडर्स को सिर्फ 30 सेकेंड्स की कवरेज मिली। डिक्टेटर लुकाशेंको किसी भी तरह का क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि एक बार एक ऑपोजिशन का प्रोटेस्ट हो रहा था तो ओपनली इन्होंने फेमसली अपनी स्पीच में कहा था कि जो जो इंसान ऑपोजिशन के प्रोटेस्ट में जाएगा उसे टेररिस्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा। ये अपने आप को बहुत नेशनलिस्ट दिखाते हैं, और ऑपोजिशन लीडर्स को बार बार इनका मीडिया कहीं पर फॉरेन एजेंट्स की तरह घोषित करता है तो कहीं पर टेररिस्ट का टैग लगाता है। 2010 के बाद से कई लोगों ने लुकाशेंको के खिलाफ खड़े होने की कोशिश करी इलेक्शंस में, लेकिन जो जो ऑपोजिशन में इनके खड़े हुए या तो उन्हें जेल में डाल दिया गया किसी बहाने से, या फिर उन्हें देश छोड़कर जाना पड़ा।
2020 में जब COVID-19 की क्राइसिस आई दोस्तों, मैं कहूंगा कि पूरी दुनिया भर में किसी भी कंट्री के लीडर ने जो सबसे स्टूपिड स्टेटमेंट दी हो कोरोना वायरस को लेकर, वो लुकाशेंको ने दिया। इन भाई साहब ने कहा कि क्या है ये वायरस, इससे कोई डरने की जरूरत नहीं, बस वोडका पियो और सोना में जाओ, सोना में, और आपका वायरस ठीक हो जाएगा। ये इनका कहना था कि लिटरली वोडका पीने से वायरस ठीक हो जाएगा। उमरेत стоя, чем жить на коленях. Здесь нет вирусов никаких. Вот ты же не заметила, что они летают? और हैरानी की बात नहीं थी कि वे खुद भी बाद में COVID-19 से इन्फेक्ट हो गए। और शुरू में इन्होंने बहुत गालियां दी कि ये क्या लॉकडाउन हो रहा है, हम अपने देश में कोई लॉकडाउन नहीं करेंगे, जो स्पोर्टिंग इवेंट चल रहे हैं वो चलते रहने देंगे, कुछ नहीं हो रहा है। 9 अगस्त 2020 को बेलारूस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन थी और ये 5 टर्म से ऑलरेडी प्रेसिडेंट बने हुए थे, छठी टर्म के लिए इलेक्शन लड़ रहे थे। इस इलेक्शन में दोस्तों इन्होंने जितना ऑपोजिशन फेस किया उतना ऑपोजिशन पिछली किसी इलेक्शन में फेस नहीं किया गया। तो इन्होंने कैसे ट्रीट किया ऑपोजिशन कैंडिडेट्स को, इनके खिलाफ 3 मेन ऑपोजिशन कैंडिडेट्स खड़े थे। पहले ये भाई साहब, इनको मनी लॉन्ड्रिंग के बहाने से जेल में डाल दिया गया। दूसरे ये भाई साहब जिनको कहा गया कि तुम इलेक्शन नहीं लड़ सकते क्योंकि तुमने 1,00,000 सिग्नेचर्स नहीं कलेक्ट किए, थोड़े ब्यूरोक्रेटिक रूल्स के हिसाब से कह दिया कि तुम डिस्क्वालिफाइड हो, इलेक्शन नहीं लड़ सकते। और तीसरे ये भाई साहब जो कि मेन ऑपोजिशन कैंडिडेट थे, इनका नाम है सर्गी टिकानोवस्की, प्रोनाउंस नहीं करना आता, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा नाम है, इनकी भाषा में लिखा गया है। ये मेन ऑपोजिशन कैंडिडेट थे, ये एक पॉपुलर यूट्यूबर भी हैं। इनका यूट्यूब चैनल पर ये कई फार्मर से, कई देश के लोगों से बात करते हैं और देश की रियलिटी समझाते हैं। Очень часто подписчики вот страны для жизни задают вопрос: а что ты, Сергей, можешь сделать? Или Статкевич? Уважаемые жители Беларуси, ни один человек не может сделать что-то для жизни. Мы должны все подняться, все население, потому что все прекрасно знаем, что наша власть нелегитимная. Инка YouTube चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं ताकि आप भी जाकर देख सको। वैसे समझ में नहीं आएगा क्योंकि सब कुछ बेलारूसियन भाषा में लिखा गया है, लेकिन मैं चाहता हूं आप जाकर देखो कि किस तरह के वीडियोस बनाए करते थे। तो ऑब्वियसली हमारे डिक्टेटर के सामने कोई भी ऑपोजिशन कैंडिडेट खड़ा है तो चुप तो बैठने वाले नहीं थे। इन्हें भी जेल में डाल दिया गया मई के एंड में प्रोटेस्ट करने के लिए। तीनों ऑपोजिशन कैंडिडेट्स को रास्ते से हटाकर अब ऐसा लग रहा था कि डिक्टेटर के सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता इलेक्शन लड़ने के लिए। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सर्गी टिकानोवस्की, जो यूट्यूबर जेल में बंद थे, इनकी वाइफ ने कहा कि मेरे हस्बैंड को तो अब तुमने जेल में डाल दिया, लेकिन अब मैं खुद खड़ी होंगी इलेक्शन लड़ने के लिए। ये एक स्कूल टीचर थी, इनकी वाइफ का नाम है स्वीटलाना टिकानोवस्की। 30 जुलाई 2020 इलेक्शन से करीब 10 दिन पहले स्वीटलाना टिकानोवस्की की रैलीज में 10,000 की तादाद में लोगों की भीड़ इकट्ठे होने लगी, लाखों लोग इनके सपोर्ट में आने लगे। जितने भी बचे कुछ ऑपोजिशन कैंडिडेट्स थे जेल से ही, उन्होंने अपना सपोर्ट जताया स्वीटलाना टिकानोवस्की के लिए। वहीं दूसरी तरफ लुकाशेंको के लिए 1,000 की तादाद में भी भीड़ इकट्ठी करना मुश्किल हो रहा था अपनी रैलीज में। रैलीज को देखकर ये चीज बड़ी क्लियर हो गई थी कि जनता का सपोर्ट किसकी तरफ जा रहा था। यहाँ पर एक लहर सी आ रही थी मानो बेलारूस में कि लोगों में उम्मीद जागी हो, फाइनली हमारे देश को एक दूसरा प्रेसिडेंट देखने को मिल सकता है और इस डिक्टेटर के राज का यहाँ पर अंत किया जा सकता है। लेकिन फिर आया 9 अगस्त 2020, यानी इलेक्शन का दिन। कई लोग पहले से ही कह रहे थे कि लुकाशेंको किसी भी हद तक फ्रॉड कमिट कर सकता है इस इलेक्शन को जीतने के लिए, और ये चीज बड़ी क्लियर हो गई 9 अगस्त के दिन, क्योंकि किसी भी तरीके के इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर को नहीं बुलाएगा इलेक्शन को ओवरसी करने के लिए कि इलेक्शन सही से कंडक्ट करी जा रही है या नहीं करी जा रही। साथ ही साथ में दोस्तों ओपिनियन पोल्स को कंप्लीटली बैन कर दिया गया। हमारे इलेक्शन से पहले ओपिनियन पोल्स होते हैं जानने के लिए न्यूज चैनल्स पर कि जनता का रुख किस तरफ है, सर्वेस कराए जाते हैं, जनता से पूछा जाता है, लेकिन बेलारूस में कंप्लीट बैन है किसी भी तरीके के ओपिनियन पोल्स पर। और जिस दिन इलेक्शन हुए उस दिन कंप्लीट इंटरनेट ब्लैकआउट कर दिया गया, जो कि अगले कुछ दिन तक चला। तो कोई हैरानी की बात नहीं थी दोस्तों कि जब अगले दिन 10 अगस्त को फाइनली इलेक्शंस के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए गए, तब 80% वोट्स के साथ लुकाशेंको ने इलेक्शंस जीत ली और स्वेटलाना टिकानोवस्की को मिले सिर्फ 10% वोट्स। अब ये चीज बड़ी क्लियर थी बेलारूस में रहने वाले लोगों के लिए और बाहर की कंट्रीज के लिए, तो ऑब्वियसली कि इस इलेक्शन में फ्रॉड कमिट हुआ है पक्का। और स्वेटलाना टिकानोवस्की ने कहा कि इलेक्शंस अगर सही तरीके से कराए जाते हैं तो 60-70% वोट्स
उन्हें मिलते हैं अगर सही तरीके से काउंटिंग होती तो। यूरोपियन यूनियन, यूएसए और यूके ने तो ओपनली कह दिया है कि इन इलेक्शंस में फ्रॉड कमिट हुए हैं, और यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि बेलारूस के खिलाफ अब सैंक्शंस डिक्लेयर करेगा वो इस फ्रॉड इलेक्शंस की वजह से। ये बेलारूस के इतिहास में दोस्तों पहला ऐसा वोटर टर्नआउट था जिसमें इतनी तादाद में लोग वोट देने आए थे कि लाइनों में खड़े होना पड़ा था उन्हें घंटों तक। इससे पहले जो भी इलेक्शंस हुए थे उसमें वोटर टर्नआउट काफी कम रहे थे। इलेक्शन रिजल्ट्स डिक्लेयर होने के घंटों बाद ही टिकानोस्की देश छोड़कर चली गई एक नेबरिंग कंट्री लिथुएनिया में, जहां उन्होंने जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनकी जान के लिए खतरा है और उन्हें अपने बच्चों की चिंता है, क्योंकि वो ये सब नहीं चाहती थी कि पॉलिटिकल रैलीज करे, पॉलिटिकल कैंपेन्स करे। उन्होंने सिर्फ ये इसलिए डिसीजन लिया ताकि क्योंकि उनके हस्बैंड जेल में बंद थे, और एक बहुत डिफिकल्ट डिसीजन उन्होंने लिया कि वो अपने बच्चों के लिए देश छोड़कर अब लिथुएनिया में चली गई हैं। Что вся эта кампания I thought this campaign really toughened me and empowered me so that I could withstand anything. Many will understand me. Many will denounce me. And many will hate me. But God forbid anyone should face the choice that I faced. लेकिन इस टाइम तक देश की जनता ने तय कर लिया था बस बहुत हुआ और नहीं सहा जाता। और ऐसे शुरुआत हुई दोस्तों 2020 के बेलारूसियन प्रोटेस्ट की, जिसे अक्सर नाम दिया जाता है एंटी कॉकरोच रेवोल्यूशन या फिर स्लिपर रेवोल्यूशन, यानी चप्पलों की रेवोल्यूशन। ये नाम इसलिए दोस्तों क्योंकि टिकानोस्की के हस्बैंड जो है, जो यूट्यूबर है, उन्होंने अपने डिक्टेटर को काफी बारी कंपेयर किया था एक कॉकरोच से। उन्होंने कहा जैसे हम कॉकरोचों को चप्पलों से चप्पल मार के घर से बाहर निकालते हैं, ऐसे ही हमें लुकाशेंको को चप्पलें मारकर देश से बाहर निकालना होगा। इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए पीसफुली प्रोटेस्ट करने के लिए। इनकी डिमांड थी कि इलेक्शन में रीकाउंटिंग करी जाए, और हर तानाशाह की तरह लुकाशेंको ने इन पर लाठियां बरसाई, ग्रेनेड्स फेंके, रबर बुलेट्स फेंकी, टीयर गैस चलाई गई, वाटर कैनन्स करे गए। पुलिस ने 3 दिन के अंदर अंदर 7,000 से ज्यादा लोगों को डिटेन किया, जेल के अंदर डाला बिना खाने के, कई दिनों तक उन्हें कैद रखा। लेकिन हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि जो गवर्नमेंट की खुद कंपनीज थी उनके वर्कर्स भी अब प्रोटेस्ट करने लगे थे। लुकाशेंको के सबसे लॉयल सपोर्टर्स अपने काम पर आना बंद कर दिया, वो स्ट्राइक पर चले गए प्रोटेस्ट करने के लिए। 17 अगस्त लुकाशेंको एक व्हील ट्रैक्टर प्लांट में स्पीच देने जा रहे थे, जहां खड़ी ऑडियंस ने ओपनली इनको ठेंगा दिखाया और बूइंग स्टार्ट कर दी। Спасибо, я сказал все, можете кричать, уходи. Верните наши голоса! Уходи! 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 गुस्से में आकर लुकाशेंको ने कहा कि अगर तुम लोगों को एक और इलेक्शन चाहिए तो पहले मुझे मारना पड़ेगा, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक देश में कोई और इलेक्शंस नहीं होने वाली है। बड़ी फनी चीज है एक डिक्टेटर के लिए कहना, क्योंकि इतिहास गवाह है कि कभी भी डिक्टेटर जब ऐसे खड़ा हुआ है तो जनता पीसफुली ज्यादा रिएक्ट करती नहीं है। लेकिन बेलारूस की जनता ने बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट किए और किसी ने खड़े होकर डिक्टेटर की जान नहीं ली अभी तक। बेलारूस की सड़कों पर प्रोटेस्ट आज के दिन भी जारी हैं। इनका जो बिकाऊ मीडिया था, जो लुकाशेंको के फेवर में प्रोपोगेंडा फैलाता था, वहां से भी इंप्लॉयज ने रिजाइन करना शुरू कर दिया है, वहां पर भी वर्कर्स स्ट्राइक पर चले गए हैं। लेकिन लुकाशेंको को बचाने रशिया आया यहां पर। कहा जाता है कि रशिया ने अपने इंप्लॉयज भेजे क्योंकि जगह खाली हो रही थी, टीवी चैनलों में लोग नहीं थे प्रोपोगेंडा फैलाने के लिए, तो रशियंस को भेजा गया वहां पर इनके टीवी चैनलों में काम करने के लिए। और यह भी कहा जा रहा है कि रशिया किसी भी तरह की मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है बेलारूस को, यानी लुकाशेंको को, प्रोटेस्टर्स को दबाने के लिए। इस पे एक्सपर्ट्स एक्चुअली काफी डिवाइडेड हैं। कई लोग मानते हैं कि पुतिन बेलारूस में लुकाशेंको की मदद करेगा, क्योंकि पुतिन को डर है अगर यहां पर डेमोक्रेसी आ गई, ये डिक्टेटर नीचे गिरा दिया गया, तो अगली बारी आएगी रशिया की। रशिया में भी लोग और मोटिवेट होंगे, इंस्पायर होंगे इससे, और अगली बारी पुतिन को रास्ते से हटा देंगे। लेकिन दूसरी तरफ पुतिन इस बात से भी केयरफुल है कि मैं लुकाशेंको की ज्यादा मदद ना करूं, क्योंकि फिर बेलारूस की सारी जनता पुतिन के अगेंस्ट भी हो जाएगी। अभी क्लियर नहीं है कि यहां पर क्या होगा, लुकाशेंको की मदद करने कौन आएगा कौन नहीं आएगा, लेकिन दोनों तरफ से पेशेंस टेस्ट आउट किया जा रहा है। प्रोटेस्ट भी जारी है, लुकाशेंको कोई और एक्शन नहीं ले रहे हैं। बड़ा दिलचस्प होगा देखना आगे होता क्या है।
उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, इस वीडियो को शेयर कीजिए। और यहां पर मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कुवेरा ऐप का इस वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए। कुवेरा एक म्यूचुअल फंड्स की एडवाइजरी ऐप है, यहां पर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं बिना किसी ब्रोकरेज चार्ज के। कोई फीस नहीं लगती इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। और आप अपना बस गोल सेट करिए कि आपको अपना घर खरीदना है या गाड़ी खरीदनी है, उसके हिसाब से इस ऐप के जो एल्गोरिथम्स हैं आपको बता देंगे कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट रहेगा। इस इतने टाइम के लिए इन्वेस्ट कीजिए, इतना पैसा इन्वेस्ट कीजिए ताकि आप एंड में उस साल के अपना गोल कंप्लीट कर पाए, ये चीज खरीद पाए। ऐप को डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/ध्रुव राठी पर या यूट्यूब पर मेंबर बनकर ज्वाइन बटन क्लिक करके, ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए बनाते रहूं और रिटर्न में कई नई चीजें आपको मिलेंगी अगर आप सपोर्ट करेंगे, जैसे कि एक व्हाट्सएप ग्रुप है और गूगल हैंगआउट जो हम मंथली करते हैं। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।